Good morning, class 8. Today we will understand science chapter 6, question number 1, question number 2. Question number 1 dekhte hain, list condition under which combustion can take place. To hame jo batana hai ki wo conditions batani hai jinke andar combustion take place karta hai. Combustion yani ki jalna, kisi cheez ka dahan, theek hai? Answer dekhenge, condition under which combustion can take place are as follows. नंबर वन है फ्यूल इज रिक्वायर्ड. तो कम्बशन के लिए सबसे पहले क्या है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट है. फ्यूल यानी कि ईंधन, कोई भी चीज जो जलानी हो ईंधन की जरूरत है, जैसे कोयला लकड़ी, ठीक है. नंबर सेकंड है ऑक्सीजन, एयर इज नेसेसरी, यानी कि जलने के लिए सबसे सेकंड चीज क्या है, ऑक्सीजन, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए तभी कोई दहन संभव है. थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ज्वलन ताप, किसी चीज का ज्वलन ताप. ज्वलन ताप यानी कि जब कोई ईंधन जिस टेम्परेचर पे जलने लग जाता है वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है. तो हमें इग्निशन टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो ये इसकी कंडीशंस हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स है ए बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज डैश ऑफ एयर. तो बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोज डैश ऑफ एयर, क्या कोज करते हैं वुड और कोल को. कोल को अगर हम जलाएंगे तो वो क्या कोज करेंगे, आंसर है पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ एयर. तो इसमें फिल करेंगे पोल्यूशन. बी है अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज डैश. जो लिक्विड फ्यूल हम घर में यूज करते हैं होम्स में, वो क्या होता है, वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी, जो कि सिलेंडर्स में हम घर पे यूज करते हैं वो क्या होती है, एलपीजी. सी है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग. फ्यूल को, जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्यूल कब जलना शुरू कर गया, जब उसे किस लेवल तक हीट कर देंगे हम, इग्निशन टेम्परेचर, उसके ज्वलन ताप तक हम जब उसे गर्म करेंगे उसके बाद ही वो हीट करना यानी कि जलेगा. तो इसमें आएगा इग्निशन टेम्परेचर. डी है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय डैश. जो फायर प्रोड्यूस होती है ऑयल से वो किससे कंट्रोल नहीं होती, वो वाटर से कंट्रोल नहीं होती. तो इसमें फिल करेंगे वाटर. तो आपको इसी तरह क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करने हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.